वहीं कुटलैर के राजाओं के वंशज राम कृपाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मंडी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। समाज के यति सत्यदेवानंद जी महाराज ने एक खुलासा किया है मंडी मस्जिद निर्माण को लेकर, और वहां पे इंडिया न्यूज जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां से जो हिमाचल प्रदेश के कुटलैर विधानसभा क्षेत्र जिला ऊना से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? राम कृपाल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी संत समाज के गति से देवानंद जी महाराज ने खुलासा किया है मंडी मस्जिद जो निर्माण हुआ है प्राचीन काल में या कुछ समय पहले, क्या वो जमीन आपकी है? 1280 खसरा नंबर, वो जो 1280 खसरा नंबर है जी, वो हमारी जमीन में पहले वहाँ मंदिर बना हुआ था जी, क्योंकि जो मेरे बाबा ही थे वो वहाँ मंडी स्टेट के जो राजे थे वो दामाद थे उनके जी, तो मैं भी छोटा सा था वहाँ रहता था जी। तो ये मंदिर राजाओं ने उनके सहयोग से बनाया जी। तो 1000 कनाल जमीन नेर चौक में जी, मेरे बाबा जी के नाम थी, तो वहाँ गुजरों को काम करने के लिए जमीन जोतने के लिए रखा हुआ था जी। तो कुछ परिस्थितियों के कारण जी, बाबा जी एक्सपायर हो गए, मैं अपने कुटलैर स्टेट में आ गया जी, क्योंकि यहाँ हमारे और बुजुर्ग राजे थे जी, उनकी सेवा। तो वो जो जमीन थी उनके जी, वो गुजर काबज हो गए जी, है जी, जो कि जो ये हमारी जमीन पुश्तैनी है और हमारे अभी भी रिकॉर्ड खंगोला जाए तो हमारे ही नाम निकलेगी, वो गुजरों की नहीं है। तो क्या आपको मालूम है कि कब से ये गुजर लोग हुआ है, काबिज हुआ आपकी जमीन पर, आपके दादा की जमीन पर, बाबा की जमीन पर, परदादा की जमीन पर? ये नहीं मुझे पता काबिज हुए, परंतु ये मुझे पता है 1920 में ये नौकर रखे थे जी, मुझे बाबा जी बताते थे जी कि ये नौकर रखे हुए है हमने जी। हाँ जी, जी। मालिक नहीं तो है। जो मंडी मस्जिद निर्माण हुआ है वो आपकी पुश्तैनी भूमि है जी, इसको आप चुनौती देकर कह सकते हैं? हाँ जी जी, जहाँ इन्होंने अभी मस्जिद बनाई है हमारी पुश्तैनी भूमि है और यहाँ मंदिर था जी। हाँ जी, और किस देवता का मंदिर था वो? इतना मुझे मालूम नहीं है किस देवता का जी, परंतु भगवान श्री शिव शंकर जी का मंदिर बताया जाता है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। देते हुए कहा है कि वो पुश्तैनी भूमि इनके दादा परदादा की काबज थी, लेकिन उनके बाद जो वहाँ गुजर जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर वो नौकरी करते थे, नौकरी करने के बाद उन वहाँ पर वो उसी जमीन पर काबिज हुए। 1000 कनाल के करीब इन्होंने जमीन जो है नेर चौक जिला मंडी में बताई है। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ जीवन।